हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टडी व्लॉग, दो तीन दिन का ब्रेक हो गया क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, तो मैं परसों ही आई हूँ। तो ये है कल का स्टडी व्लॉग। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है हनुमान चालीसा के साथ। देन मैंने दिया था IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, क्योंकि मुझे लगा अभी एक इसका भी मॉक टेस्ट साइमल्टेनियसली देना चाहिए, क्योंकि एक महीने क्या कॉन्टीन्यूअस एग्ज़ाम होते हैं, फिर तो सारे एक साथ ही होते जब भी नोटिफिकेशन आएगा। तो सबसे पहले इसमें आई थिंक रीजनिंग ओपन हुआ था, देन उसके बाद क्वांट, देन इंग्लिश। एग्ज़ाम में सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। पिछली बार इंग्लिश ओपन हुआ था, उसके पहले रीजनिंग हुआ था। देन उसके बाद ये है मेरा स्कोर, आप देख सकते हैं मैंने 80 अटैम्प्ट किए थे, काफ़ी एक्यूरेसी ख़राब हो गई है, 84 है परसेंटाइल। और अच्छे हो सकते थे, बट इसकी क्वांट काफ़ी कैलकुलेटिव थी अगर आप लगाओगे तो। ये है रीजनिंग के पज़ल जो मैंने सॉल्व किए थे, और एक पज़ल आई थिंक इसका मुझसे बन नहीं पाया था, यही है, हाँ आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है शायद। देन उसके बाद आप ये देख सकते हैं, उसके बाद मैंने सर की क्लास अटेंड करी थी, यूट्यूब में थी, पुरानी क्लास थी ये भी। देन उसके बाद मैंने रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, उसका वीडियो बचा हुआ था तो मैंने उसको कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैंने सोचा कि एक मेंस का साइमल्टेनियसली मैं मॉक दे दूँ, तो मैंने ये RRPPO मेंस का रीजनिंग का अटैम्प्ट करा है। तो रीजनिंग का पहले मैंने स्ट्रैटेजी मेरी वही रहती है कि पहले मैं मिसलिनियस वाले क्वेश्चन करूँ। मेंस को भी आप अटैम्प्ट करते हो तो मिसलिनियस भी काफ़ी, उसमें RRB में तो इतने टफ नहीं रहते, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार का क्वांट बहुत ज़्यादा हाई था। अगर आपने RRPPO मेंस दिया होगा तो आपको पता होगा कि क्वांट का लेवल अच्छा था, उसमें 13-15 से ज़्यादा अटैम्प्ट, 20 से ज़्यादा हो ही नहीं रहते, जिसकी बहुत अच्छी थी उसकी 20-22 हो रहे थे। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये मैंने रीजनिंग, मेरा जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और भी ज़्यादा। ऐसा नहीं कि क्वांट नहीं पढ़ना, क्वांट भी पढ़ना है। देन उसके बाद ये है मेरा स्कोर, आप देख सकते हैं 32.8135। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे, और ये है वो सॉल्यूशंस जो मैंने किए थे। तो कल मैंने ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि थोड़ी सी थकान हो गई थी, तो मैंने इतना ही किया था। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने जो भी पज़ल वगैरह थे, और आई थिंक इसकी शायद मुझसे एक नहीं सॉल्व हुई थी, हाँ इसकी एक नहीं सॉल्व हुई थी। तो ये है डे 17, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।